ये आपको मुझे 110 वापस करने हैं सर, अगर आप मुझे दो मिनट। सो दोस्तों, जैसा कि विंटर कार्निवल अहरवल के दो दिन आज कंप्लीट हुए हैं, लेकिन दो दिन कंप्लीट होने के बाद इस वक्त हम एक स्टॉल में खड़े हैं, फूड स्टॉल में, जिस फूड स्टॉल का नाम है फूड्स बाय जज्बा। जब जज्बे की बात हो तो खाना बनाने में भी एक जज्बा, एक पैशन होना चाहिए, ताकि खिलाने वाले को और खाने वाले को वो लजीजपन जो खाने में हो वो फील हो, और बनाने वाले की वो मोहब्बत भी फील हो। इस वक्त हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने ये फूड्स बाय जज्बा शुरू किया है। मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि इन्होंने एक जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है वो प्रूव करके दिखाई है कि अगर हम खुद रियलाइज करें चीज़ों को, खुद एक कदम आगे बढ़ाएं, तो आने वाले टाइम पर सोसाइटी में कितने लोगों को ये एम्पावर कर सकते हैं, कितने लोगों को ये मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं और इनकी कहानी इनसे ही सुनते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप मेरा नाम तो इन्हें बता ही चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा अपनी, आपने जैसे जर्नी की बात की है कि मैंने कब से कहां से शुरू किया है, मैंने ये 4 महीने पहले शुरू किया और बेसिकली आप यकीन करो बिल्कुल 6-7 हज़ार का बिल्कुल ही मीगर, सबसे कम इन्वेस्टमेंट हमने डाला इसमें। उसी में मैंने अपने लोगों को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को पूछा कि आप कुछ नहीं लोगे, किसी ने कहा हाँ ठीक है बेच दो, कोई बात नहीं, इस तरह के बॉक्सेस में आप देख सकते हैं, ये मैं इसी तरह के, आप इसमें तो है नहीं है कुछ, लेकिन जैसे इस तरह के बॉक्सेस बना करके मैंने इनको कहा कि आप प्लीज ये कुछ लेंगे, इस तरह की चीजें कुछ मैंने बनाई है, शुरू किया है। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, कहा ठीक है, उनको पसंद आया मेरा माल जो भी मैंने बनाया, उनको दिया जो लाइक मीट बॉल्स मैंने बनाए, इसके अलावा चपली कबाब तो मेरी मेन चीज है, आलू पराठे हो गए, आप समझ लीजिए ग्रीन मीट बॉल्स हो गए, बहुत नरगिसी कोफ्ते हो गए, हलीम हो गया, निहारी हो गई, पसंदे हो गए, ये लोगों ने बहुत पसंद किया। करते कराते मेरे कॉन्टेक्ट खुल गए, फिर पहला मेरा जो स्टॉल रहा वो मेरे बच्चों का स्कूल है, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप क्यों नहीं करोगे, वहां से मुझे ये हुआ कि मैं स्टॉल संभाल सकती हूँ, फिर तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और माशाल्लाह आज मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इनवाइट किया यहाँ पे एज अ गेस्ट कुलगाम में, जी जी गालिब शाह साहब है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एज अ गेस्ट, मेरा स्टे भी उन्होंने मुझे नीचे दिया, बहुत अच्छा बेहतरीन इंतजाम किया और मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूं। माशाल्लाह, कैसा लग रहा है लोगों को आपका खाना खा के, जैसे चपली कबाब है या कोफ्ते है या हलीम है, काफी डिफरेंट वैरायटीज है, ऐसी चीजों के नाम बोले कोफ्ते और हलीम, तो मैंने कोफ्ते लाए हैं, मैं दिखा सकती हूँ आपको अगर आप कहेंगे, लेकिन मैंने बनाए नहीं है यहाँ पे, और हलीम भी मैंने नहीं लाया, हलीम मुझे मिलता है श्रीनगर साइड पे, वहाँ जो भी स्टॉल होते हैं मैं हलीम और निहारी में लाजमी रखती हूँ, और बाकी तो मेरा स्टॉक खत्म हो गया था कल, बिल्कुल मैंने सुबह श्रीनगर से फ्रेश स्टॉक मंगवाया, आप यकीन करो वो भी अब माशाल्लाह खत्म हो चुका है, बस ये 2-4 चीजें आपके सामने पड़ी है, तो उसी में मैं आपको बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। हम भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है आपको यहाँ पे देख के। तो लास्ट में अगर हम टूरिज्म को लेकर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे फेस्टिवल्स कार्निवल्स कितना इम्पोर्टेंट है कश्मीर वैली के लिए? बहुत जरूरी है, लोगों को एक तो देखे ना, एक माइंड सेट है, घर में रहकर इंसान बैठे इधर ही अपना वो कहते ना दरबार करे आपस में, क्या करेगा उसमें, एक दूसरे की गिबत करेगा, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करेगा, फलाने ने ये किया, उसने ये किया, वो कर रहा है, उसका सुना है, ये हुआ है, ये बातें करने का मतलब नहीं है ना, उठो जाओ नेचर को देखो, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दुनिया में क्या है, उससे पहले कि आपके घर के आसपास क्या है, घर से मुराद है जहां आप रहते हो, जहां आपकी सराउंडिंग है, कितने कश्मीरी है जिन्होंने पूरा कश्मीर देखा है, बिल्कुल कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा यहाँ पे, कितनी बहने हैं, चलो हम यही भी बात करेंगे जिन्होंने अहरवल आई है जहाँ देखा है, बिल्कुल मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ये मिलना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इससे टूरिज्म एक वो होगा इंसान के अपने बेटरमेंट के लिए भी, साइकोलॉजिकल बेटरमेंट के लिए भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मे यू प्रोग्रेस एंड मे यू हैव लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इंशाल्लाह। थैंक यू। अब हम इनका थोड़ा फूड टेस्ट करेंगे, चपली कबाब गर्म हो रही है, अपने और चपली कबाब एक बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है जो हम आज यहाँ पे विंटर कार्निवल में लगाना लेंगे। चपली कबाब, चपली इज अ पश्तो वर्ड विच मीन्स फ्लैट, पश्तो वर्ड विच मीन्स फ्लैट। बेटा अच्छे से लगाना प्लेट, अचार भी लगाना और इमली की चटनी भी सबको टेस्ट कराना। सर मैं ये चीजें भी बनाती हूँ, होममेड इमली की चटनी है और इसके अलावा मेरे पास अचार भी है, विच टोटली होममेड, सारा कुछ, तो सारी चीजें होममेड है, प्रिजर्वेटिव्स और आप एक चीज मेरी देखोगे, मेरा सबसे पहला सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना ये मैदे के साथ है, क्योंकि इससे सबके मैदे खराब करके रखती है, नाम एक जैसा रखने से कुछ नहीं होता, मैं आशीर्वाद आटा, फॉर्च्यून और जितने पी मार्क हो गया ये वाला यूज करती हूँ अपने प्रोडक्ट में, और मटेरियल की कोई मेरे पास कॉम्प्रोमाइज में हरगिज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मैं कभी मैंने गंध खाया है ना मैंने किसी को खिलाया, बेशक
बहुत बहुत अमेजिंग, थैंक यू। कुलगाम जो ये फेस्टिवल हुआ था, फेस्टिवल में जब आप आए पहली बार तो एक्सपेक्टेशन था आपको कि रिस्पांस ऐसा रहेगा, लोग इतने मिलनसार, इतने प्यारे प्यारे लोग दिखेंगे? कश्मीरी लोग तो हैं ही बड़े प्यारे, कहने की बात ही नहीं है। जैसा कश्मीर प्यारा है वैसे यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। आप यकीन माने मुझे जितनी इज्जत मिली है, मैं जहाँ से हूँ, मतलब वो अपना तो घर, अपना मायका तो याद इंसान को आता ही है, वो तो नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे यहाँ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार ना मिलता, आप यकीन करें मेरा यहाँ गुजारा मुमकिन होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ रहकर ये कहूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं नाशुक्री करूंगी। मैं हर एक की शुक्र गुजार हूँ, मुझे किसी लिहाज से कभी कोई प्रॉब्लम का मुझे तो सामना नहीं हुआ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कुछ हो, मैं तो हमेशा उनके हक में बोलती हूँ। वाओ वाओ माशाल्लाह, क्योंकि जहाँ का नमक खाते हो वहाँ की नमक हरामी मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, हकीकत बात है, नमक थोड़ा सा कम ही लगवा देना। नहीं, मैं मीठा प्रेफर करती हूँ, मैं ऑलरेडी नमक कम डालती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना चाहिए, जरूरी रखना चाहिए बिल्कुल। हाल बता, तभी किसी का पेट खराब हो जाए मुझे नहीं पता। मुझे नुस्खा भी मेरे पास पूरा है हाइजीन का, थोड़ा सा मेरा स्टाइल ऐसा ही है, मैं जो भी बोलती हूँ दबंगों पे बोलती हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा, दिल खोल के हमेशा, कि मैं किसी के साथ ना गलत करती हूँ, ना मैंने कभी अल्लाह का शुक्र किया है। प्लेट भी प्लास्टिक नहीं है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो हाइजीनिक मैं हर चीज का पूरा वो करती हूँ। मेरी जेब पे भारी थोड़ा पड़ जाता है लेकिन माथे पे भारी नहीं करती कोई चीज। आपको उनका सर को भाई भाईजन को चाय दी, और सबसे बड़ी बात, मेरे जो मेन हमारे इसका स्टॉल का मोटिव है, बैकबोन है, आई ट्रीट एवरीवन फ्रॉम दिस टू दिस विद सेम रिस्पेक्ट। इट शुड बी बिकॉज अगर इसका मतलब है, अगर आप हर बंदे को एक तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, देन आप अंदर से खोखले हो। आप इमारत देखकर इमारत की इज्जत कर रहे हो, कल को आदमी वो आएगा, उसके पास वो पैसा नहीं होगा, वो मकाम नहीं होगा, उसकी आप वो इज्जत नहीं कर रहे हो। मेरे पास रिस्पेक्ट हर इंसान की वैसी है जैसा वो है, और यही मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर डॉक्टर, माशाल्लाह मेरे दोनों माँ बाप डॉक्टर है, माई फादर एंड माई मदर बोथ आर डॉक्टर्स, एंड बहने मेरी एक शेफ है, सर्टिफाइड शेफ है। अच्छा। और एक बहन मेरी डॉक्टर है, और दो भाई माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं। तो मतलब हमने ये चीज, और मैंने खुद मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि कभी ना हमने कोई KU में, कराची यूनिवर्सिटी में। जी जी जी, ये मेरे हस्बैंड है, आ जाइए जी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं पूछने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ, आपके आपके स्टार्टअप में आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, तो हर साथ मेरी बेसिक चीज में साथ है, मेरे प्रोडक्ट के नाम में भी है मेरे साथ है। बिल्कुल, बिकॉज इनका नाम है एजाज, एजाज का जाज, और बतूल है मेरा नाम, उसका बा मिलाकर, वैसे आज लोग नाम मिला के रख रहे हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो ये सर आपका बहुत बहुत वेलकम सर, सर आपका यहाँ आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से हम हमारी सोसाइटी को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं कि अगर एक कपल हस्बैंड वाइफ चाहे तो मिलकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, चांद भी चढ़ सकते हैं, तो ये सपोर्ट है आपका, जो आपकी वाइफ के साथ आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमने आपको बहुत सारे फेस्टिवल देखा है, और लोग आपके खाने की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा लजीज और ऑर्गेनिक खाना है, तो क्या कहेंगे, आज हर्बल में है, विंटर कार्निवल चल रहा है, हमको बुलाया यहाँ, हम दूर से चला है यहाँ पे, नॉट अर्न द मनी, और एक नाम बनाने के लिए, और लोगों को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला का और मुझे इनका भी बहुत दिल से शुक्रिया हम अदा करते हैं। हम तो फैन है बाजी के खाने के, और बाजी का खाना हमें लास्ट टाइम भी खाया था, और आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम फिर से यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई है, और आपके क्यूट क्यूट बच्चों से भी। ये तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और एक पॉइंट मैं यहाँ ये भी देना चाहूंगी, कुछ लोग इस चीज पे पीछे रहते हैं कि बच्चे छोटे हैं क्या करेंगे, बच्चे मेरे पास भी हैं, सब हर एक के पास होते हैं, तो ये नेचुरल चीज है। आप अपनी कमजोरी को, जो आपकी वीकनेस है, अगर उसी को अपनी पावर बनाओ। हम एज अ फैमिली आज मैं फील करती हूँ, अगर मेरे बच्चे साथ नहीं है, मुझे लगेगा जैसे मेरा स्टॉल और सब कुछ अधूरा है, क्योंकि आधा काम तो ये लोग की मासूमियत से लोग लेके चले जाते हैं, आप यकीन करो। थैंक यू सर, प्लीज सर आपके लिए भी मैंने रखा है, प्लीज प्लेट बनाइए, सर ये दिस चटनी इज आल्सो होममेड, अचार भी, और दिस इज इमली की चटनी। सॉरी, मैं आरिफ लाहार की तरह चिंते के साथ बात कर रही हूँ।
स्कॉर्पियो है, प्लीज ले लूंगा आप, बस आप नाम डालोगे मेरा, मेरे को लगा ये कि ये कौन बोला, आप इनको दो ना सबके लिए, नहीं मेरी जान, हाँ मैं सबके लिए करूँगी, प्लेट सब लगा दे रहा हूँ। आपने नीचे वाटरफॉल देखा, वाटर कैसा लगा? नहीं मैंने नहीं देखा, मैं जाऊँगा। गंदा क्यों लगा, इतना ब्यूटीफुल तो है। अच्छा स्विमिंग आती है आपको, पूरी स्विमिंग? ना बताए इनको स्विमिंग के बारे में, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे डाइविंग करके आएंगे भालू से, नहीं मैं मुलाकात करनी है, तो फिर जिंदा छोड़ दे बेटा, आपको मैंने कहीं देखा है, केयू में तो नहीं थे? ऑटो क्रॉस इवेंट, ऑटो क्रॉस, अच्छा वही माय यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है, आप भी जो थे वहीं? यस 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 यस, आप सब जो थे वहाँ? बिल्कुल मैं था वहाँ पे, तभी तो मैं कहा पहचाना आपने कि नहीं? हाँ मैंने पहचाना ना, क्यों नहीं, मैं देखा देखा चेहरा लग रहा था, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ देखा देखा चेहरा है। ये तो हमारे पास बिलास साहब की बर्थडे थी, कश्मीर पार्क में भी थे, देखो कितने सारे बिलास साहब की बर्थडे मुलाकात हुई थी ना आपसे, बिलाल भाई थोड़ा सा तो टेस्ट करेंगे आप, दिल रखने के लिए नहीं बोलो, सच बोलो, बहुत अच्छा बेहतरीन। अब हमने मैं सिर्फ चाय, मैं कल भी थी यहीं पे थी, आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग माइक पे चाय, इसको आपने नहीं देखा, चाय का एक कप मेरे, ये है ना चाय इधर यार, नहीं आई नो भाई क्या बात कर रहे हो, नहीं उनकी उनकी उनको तीन चार लोगों का उसमें